अभी सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी के MLA हमारी सारी लेजिस्लेटिव टीम, हमारे को प्रेसिडेंट, हमारे सारे वॉलंटियर्स, इस सारे जो गुंडागर्दी हुई है आज MLA रोपड़ अमरजीत संधोआ के खिलाफ, उसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं। और इसमें से दो तीन बड़े इश्यूज सामने उभर के आए हैं पंजाब में। एक तो ये है कि जो 10 साल अकाली दल का माफिया पंजाब में, जिसने तबाह किए हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज, वो माफिया कांग्रेस के राज में रुक नहीं पा रहा, थम नहीं पा रहा। और उसी माफिया ने आज जो बेईहारा, जो सस्पेंडेड माइन है, जो लीगल माइन नहीं है, जो हमारे एक MLA अमरजीत संधोआ जो अरसे से माइनिंग माफिया के खिलाफ एक मुहाज खड़ा किया है, दिन दिहाड़े उनको उन माइनिंग माफिया के बदमाशों ने, जो जिनके पास गनमैन भी हैं, उन्होंने इनको हमला किया और इनकी मारपीट किया, उनको इंजर किया, उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश की है, उनकी जुबान बंद करने की कोशिश की, और इनके जो PSOs हैं, जो यूनिफॉर्म में लोग हैं, उनके ऊपर भी हमला किया। तो इससे ये साबित हो गया पहली बात कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के राज में इलीगल माइनिंग आज भी चल रही है। मेरे साथ खरड़ के MLA खड़े हैं संधु साहब, इन्होंने आज से दो दिन पहले सियोंक में जो फॉरेस्ट ऑफिशल्स के खिलाफ माइनिंग माफिया ने हमला किया, वो भी ताज़ा इंसिडेंट है। और इसी तरह पंजाब में डिफरेंट क्वार्टर्स से रिपोर्ट आ रही है, एक पठानकोट में इलीगल माइनिंग बड़े जोरों पर है, एक बल्लड़वाल गांव है अजनाड़ा में, वहां पर इलीगल माइनिंग बहुत जोरों पे है। और ये खरड़ के बाद तो मेरा ख्याल MLA साहब कई बार उठा चुके हैं, एक के इलीगल माइनिंग नहीं रुक रही। दूसरी बात यहां पर ये आ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर हैज टोटली कोलैप्स्ड इन पंजाब, इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं मारपीट के। और इसमें अगर आज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक MLA जिसको गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, अगर वो महफूज नहीं है तो आम जनता जो नागरिक है वो महफूज कैसे हो सकते हैं। और ऑफिसर्स के ऊपर अटैक, 14 मई जब मैं फिरोजपुर गया था, वहाँ SSP के ऑफिस के बाहर कांग्रेस के गुंडों ने एक पुलिस वाले को यूनिफॉर्म में पीटा, उसकी वर्दी फाड़ डाली, उल्टा जो SHO बचा रहा था हम लोगों को, ऑपोजिशन को, उसको लाइन हाजिर कर दिया गया। यहाँ पर पंजाब में सिलेक्टिव जस्टिस है, और कहीं ना कहीं हमारे को ये दिख रहा है कि पुलिस और अमरिंदर सिंह केवल जैसे कांग्रेस के वर्कर्स के लीडर्स की हिफाजत करने के लिए बैठे हैं। धूरी में आज से 3-4 दिन पहले एक यूथ कांग्रेस के लीडर को पीटा किसी पुलिस वाले ने, उसका एक्शन तो घंटों में हो जाता है, लेकिन अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर हमला होता है, अगर MLA के खिलाफ हमला होता है, अगर फॉरेस्ट ऑफिशल्स के ऊपर हमला होता है, तो देर इज नो एक्शन एट ऑल। आज हमने अभी अपने MLA अमरजीत सिंह संधोआ से उनका हाल पूछा है, ही इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। वो इस वक्त उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, अभी उनको प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया है। उनके जो सहायक हैं जसपाल सिंह पाली, उनको पीटा गया है। आप सब लोगों ने वीडियो देख लिया, वीडियो नेशनल मीडिया के ऊपर भी वायरल है। हम इंतज़ार करेंगे कि पुलिस टेक स्ट्रिंजेंट स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट दी कल्प्रेट्स, जिन लोगों ने MLA को अटैक किया। और इसके अलावा जो साजिश है इसके पीछे, चाहे कोई ताकतवर आदमी है, MLA साहब ने मेरे को किसी कांग्रेस लीडर का नाम बताया है, और मैं एक दिन इंतज़ार करने के, क्योंकि अगर किसी कांग्रेस के लीडर का पीछे हाथ है तो फिर अबेटमेंट और कॉन्स्पिरसी सेक्शन 120B IPC उनके ऊपर भी लगना चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पर ये आ रही है उभर के पंजाब में एक अराजकता का माहौल है, एक लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जो विसल ब्लोज हैं, चाहे वो बैंस है MLA, अगर कोई वेरका प्लांट की करप्शन करते हैं तो उनके ऊपर पर्चा उल्टा, अगर मैं विसल ब्लोअर हूँ तो मेरे को गलत इल्जाम लगा करके बेबुनियाद बातों में उलझा रहे हैं, कि जो लोगों के बर्निंग इश्यूज हैं ये वाले, इलीगल माइनिंग है, एजुकेशन बिल्कुल ख़त्म है पंजाब में, हेल्थ केयर ख़त्म है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उन सारी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए नॉन इश्यूज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। इसलिए आज हम सब लोग मिलकर के इसको कंडेम करते हैं। हम विचार कर रहे हैं कि कल को शायद हम आइदर वी मीट द गवर्नर,
और वी मीट द चीफ मिनिस्टर पंजाब एंड सब्सिक्वेंटली अगर कोई एक्शन ना हुआ तो हमारे जो को प्रेसिडेंट है मिस बलबीर सिंह उनसे बात हुई है। हम आने वाले एक दो दिन का वक्त टाइम दे करके रोपड़ के एसएसपी ऑफिस डीसी ऑफिस का के बाहर धरने पे बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक हमारे एमएलए को और हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। अगर एमएलए महफूज नहीं है इसका मतलब पंजाब में कोई भी आदमी महफूज नहीं है और जो सिक्योरिटी दे रखी है इसका टोटल रिव्यू होना चाहिए। अगर पंजाब में बदमाशों के लिए सिक्योरिटी है तो फिर पंजाब में कोई भी भला आदमी उसके मुंह में जुबान कैसे आएगी। इसलिए अमरिंदर सिंह नीड्स टू रिव्यू टोटल सिक्योरिटी। देयर पीपल हैव गॉट इट अनफेयरली, पीपल हैव गॉट इट ऑन पॉलिटिकल लाइंस। इसलिए सारा सिक्योरिटी रिव्यू का एक बहुत बड़ा मामला इस सारे वारदात के मामले में भी बहुत सामने आपके आया। उनकी तबीयत उन्होंने तबीयत हले फिलहाल स्टेबल है बट ही इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक और उन्होंने डॉक्टर्स ने फिलहाल उन्होंने एक प्राइवेट रूम दे विच शिफ्ट किया वा मैं ऑब्जर्वेशन दे अंडर रखा वा। साड़ी सारे की कामना अरदास है कि साडे एमएलए ठीक रहन और तंदुरुस्त होन क्योंकि इस एमएलए ने माइनिंग माफिया के खिलाफ अरसे तो एक मुहाज खोलिया वा ते इस करके बंद कराने वास्ते सारा हमला किया गया है। कल का मैं एक्शन यह दसिया कि असी अपनी पार्टी च राय रखने होने सारे इकट्ठे होके उससे भी विचार असी कर रहे हैं लेकिन मैं समझदा कि पहला अगर असी सारिया ने फैसला ले लिया तो पॉसिबली वी मीट द गवर्नर टमोरो अगर लोड़ पई चीफ मिनिस्टर नूं मिलांगे उन्हूं कन्फ्रंट करांगे कि पंजाब दे विच जिहड़ी हिफाजत है तो जस्टिस हैगा इह सिलेक्टिव नहीं हो सकता कि कांग्रेस लई होर कानून है तो विरोधियों तो आम जनता के वास्ते होर कानून है। इसका फैसला अभी अच्छ शाम तक ले लेंगे। गुटबाजी नहीं है जी, गुटबाजी की गल नहीं। पहला इन्होंने एक दिन एक बहुत वड्डी खड पावा कि वह कहिंदे ने कि कानूनन अनुसार चल रही है हर्षा बेला पर माइनिंग के एरिया छड़ के सीधे सतलुज दरिया के माइनिंग हो रही है जिहड़ी कि गैर कानूनी है। यह खड जिहड़ी हैगी आ इह तां टोटली सस्पेंडेड गैर कानूनी खड सीगी। इसलिए कई तरह के इल्जाम साडे विरोधी ला सकते हैं, कई तरह के वो सारिया गल्लां बाद दियां ने। पहला एक एम एल ए दे उत्ते जो एक उहदा हकूक ते हमला किया उत्ते जानलेवा हमला किया उहदे ते स्ट्रोंग एक्शन होकर कल्प्रिट शुड बी अरेस्टेड एफ आई आर रजिस्टर्ड एंड ऑलसो दोज बिहाइंड द सीन मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। ये जड़े लोग ने ये जो लोग हैं ये एमएलए के सहायक जसपाल सिंह पाली ने बोला है कि ये सारे आइडेंटिफाइड हैं, सारे कैमरे के ऊपर हैं। सो आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट शुड डिथर टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कैपेट्स हु आर इन वीडियो एंड हु हैव बीन हु आर इजीली आइडेंटिफाइड बाय द पुलिस एंड द गवर्नमेंट। देखो अज लाइव कर रहे थे जिदा मैं भी दिल्ली ट्रैवल कर रहा है मैं उन्होंने लाइव फेसबुक से देख रहा वहां बल्कि नाल लोकल मीडिया भी उन्होंने नाल आ ते मैं उन्होंने हुण जदों उहदे सहायक नूं पुछिया उन्होंने कहा जदों ही लाइव खत्म होया तो गड्डियां दे विच आण के उन्होंने कोई आ नहीं पुछा तो आ नहीं पुछा तो साडे गल पै गए सानूं इहदा मतलब उन्हां दी कॉन्सपिरेसी तैयार सी और लाइव वॉच करदे सीगे नेड़े ही उन्होंने अपने हथियार तुसीं देखो ना पुलिस गनमैन मिली हुई आ बदमाशां नूं पंजाब दे विच इधरों ज़्यादा अराजकता का माहौल की पंजाब सूबे दे विच हो सकता। सो जो भी साडा अगला प्रोग्राम आवेगा तुहानूं असीं इंटीमेट करांगे। शुक्रिया धन्नवाद। अनिल खैरा साहब इंग्लिश में रखो।